चलो वही इसका डरता वही हुआ, बस डाइवर्जन पे थी और यहाँ डाइवर्जन के उन्होंने कोई कुछ नोटिस नहीं दे रखा कि कहाँ से डाइवर्जन क्या काम जाएगी कहाँ नहीं, तो इस वजह से बस गई हमारी छूट। तो अब जो मतलब कि पिछले बस स्टॉप है जितना हो सकता उतना पीछे जा रहा हूँ, कहीं से तो मिलेगी है क्योंकि बहुत पीछे से डाइवर्जन पर लगी हुई है बसेस, तो एक घंटे के लिए जोन से बचाने के चांस क्या नाम लेते हैं रिस्क लेके, तो भाई पानी में चला गया सारा का सारा रिस्क वो, बाकी देखते हैं चलो जो तो सुबह अपना अच्छी जाएगा। अभी के लिए बस वगैरह देखता हूँ कौन से स्टॉप से मिलेगी कौन से स्टॉप से नहीं, कहाँ पर डाइवर्जन है, तो अभी जितना पीछे हो सकता उतना पीछे जाएंगे। सुबह से रेल बढ़ने लग गई है, आगे तो पता नहीं क्या होएगा, पूरा दिन पड़ा है अभी तो, नींद भी पूरी होएगी या नहीं जिस हिसाब के हालात लग रहे हैं ना, पता नहीं घर भी पहुँचूंगा या नहीं आज की डेट में। मतलब एक माइल मतलब बहुत 1.5-2 किलोमीटर में पीछे आ गया हूँ और अभी तक मुझे मतलब डाइवर्जन का कोई साइन नहीं दिखा, तो अभी देखता हूँ बस कहाँ जहाँ मतलब स्टॉप पे आ गया मैं, जहाँ पे पहले जब मैं वर्क करने के लिए आया था नहीं, जहाँ पे बस डाइवर्जन ने उतारा था मुझे, तो उस पोजीशन पे जाने की ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ तक चांसेस हैं तो वहीं से बस डाइवर्जन पे होंगी। थोड़ा हाँ ट्राई करूँगा रिस्क ना लेके कि थोड़ा 1-2 स्टॉप और पीछे चला जाऊँ, अभी तो पता नहीं लग रहा कि यहाँ घर तक पहुँच भी पाऊँगा कि नहीं। मॉर्निंग बसेज भी स्टार्ट हो जाएंगी 5 बजे के बाद, अभी टाइम 4 बज चुके हैं, 15 मिनट का रिस्क भी ले रखा है, वो तो देखी जाएगी जो होगा। अभी बात करता हूँ अपने घर जाने की, घर पहुँचने की तलाश में रात को भटकते हुए गलियों में लंदन की। बाकी मौसम बढ़िया हो रहा है ठंडा ठंडा, जिस हिसाब से दोपहर का मौसम था ना मतलब थोड़ी सी गर्मी सी थी, तो टेम्परेचर सही है। एक इतने बड़ा डर लगा रहा था ना, अब सीटें डर पता लगता कद पकड़ लाए। अभी टाइम है 10 मिनट है बस आने के, तो ट्राई करूँगा 2-3 स्टॉप पीछे चला जाऊँ, जब वहाँ से भी नहीं मिली तो फिर वही 5 बजे तक की वेट करनी पड़ेगी, मॉर्निंग बसेस चलेंगी फिर 92 चल जाएगी, तो उसमें बैठ के निकलना पड़ेगा। देख लो भाई ये स्ट्रगल है, स्ट्रगल भी क्या है बस यार, धक्के से स्ट्रगल करवा रहे यूके वाले, दिन भी निकलने न हो रहा, दिन बड़ा मस्त निकला यहाँ। बाकी बात करूँ जो बहुत बढ़िया कह नहीं देख, जबरदस्त पहाड़ों वाला व्यू हुआ, सूरज निकलता हुआ वो वाला सीन हुआ, देखो अगर जो लेट जाए फिर सर से दिखाऊँगा क्या सीन है, मतलब 10-15 मिनट में एन बड़े लाल ही आ जा। एक जिम ग्रुप ही हुआ, पहले मैंने इसकी शिफ्ट चला दी थी, यहाँ आने का मन लगा कि भाई वहाँ जो जिम ग्रुप है मैं जहाँ मेरी शिफ्ट है, फिर बाद में जिस टाइम एड्रेस सर्च करा तो फिर पता लगा कि यहाँ से दूसरा है, फिर दूसरे में गया था जानते ही आया मैं, तो पंगा भी रहा यहाँ। वैसे तो स्टॉप आ गया वो जहाँ से मुझे लगता है कि बस इस डाइवर्जन पे है, बाकी 1-2 स्टॉप और पीछे जाऊँगा रिस्क नहीं लेने का, नींद का सवाल है। तो 2.5 माइल पीछे मैं चल के इस टाइम आ चुका हूँ, तो स्टॉप पे भी ना रुकी तो कुछ सोल्यूशन तो है नहीं, और तो क्या ही कर सकते हैं, उसके बाद मॉर्निंग बसेस में ही देखूँगा 5 बजे के बाद चलेंगे, 1/2 घंटा और वेट करना पड़ेगा, थोड़ा हाँ गलियों में फिर घूमेंगे। और जो नई बस पकड़ी गई वैसे तो लग रही है आने, देखता हूँ वेट करता हूँ, फिर पकड़ के जाके फिर सोऊँगा थोड़ी देर, सोने का फिर मॉर्निंग की शिफ्ट है, फिर इवनिंग की भी शिफ्ट है, फिर रात को जाकर थोड़ा सांस मिलेगा सोने का। तो लो भाई फाइनली 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 बस आ गई है, शुक्र है रब्बा तेरा, पहुँच जाएंगे करा टाइम से, अभी देखते हैं क्या रहेगा बस में बैठते पहले। तो भाई सब किस्मत देखो कितनी बढ़िया मेरी, अगर जो मैं इससे पहले स्टॉप पर रुक जाता ना तो बस नहीं आवा रही वहाँ, क्योंकि स्टॉप से डाइवर्जन पर चली बस, तो किस्मत बहुत बढ़िया है एक स्टॉप पीछे ही चले गया मैं, तो किस्मत साथ दे रही कहने का मतलब ये है। बस में ट्राई करेंगे नैप वगैरह ले लें थोड़ी, और उसके बाद फिर
मैं भी एक नींद लग गई थी मुझे भी, एक स्टॉप आगे जाके उतरूँ मैं, अब एक स्टॉप वापस पीछे आना पड़ रहा है, वो बस पकड़ रही थी तो वहाँ से भी वो बस निकल गई। अब कम से कम 25 मिनट की हो गए, 25 मिनट अब सीधा बस पैदल ही कर पैदल चलता हूँ घर के, ना कोई बस ना कुछ, वो ऐसी टैक्सी कराएगी। 25 मिनट में आराम तो पैदल चल गया, पहुँचूँगा सोना पड़ेगा अपना, परमात्मा जाना भी। रेल ज़्यादा बनाई थी यार आज, रात का चल रहा आपके सामने है, सवेर होगी इस जगह पहुँचा, मैं 4 बजे खत्म हो गई, सिर्फ 5:30 बजे होने हो रहे, देख लो मौसम। तो लो भाई फाइनली पहुँच गए आज की डेट में। ओ यार यो तो है नहीं, अगला नींद के नशे हो रहे थोड़े, ये भी सेम सही लगा जैसा हमारा ब्रिगेडियर कोर्ट है वैसे सेम ही होगा, ऐसा ही हो सेज कोर्ट। इस टाइम हम स्टार्टिंग में आए तो उस टाइम भी यहाँ से हम पता लो चल रहा था कि वाला एक अगला हमारा नाम देख कर पता लगा था, ऐसा कह रहा परमात्मा का। फाइनली पहुँच गया, रात में चला था दिन में पहुँचा, अभी नींद लेता हूँ और सो के फिर अपने अगली शिफ्ट के लिए निकलता हूँ। देखते हैं अभी दरवाजे के वास्ते भी एक जगह लड़नी, कुछ नहीं कौन खोलना आवेगा आवेगा भी नहीं कोई खोलन। भाई पहुँच गए परमात्मा कोई, कोई तो आ जाओ देंगे। फोन करना पड़ेगा लगा। ओ भाई सो गया पहुँच गया, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, अभी नींद पूरी करूँ। तो भाई राम राम सभी को, एक बार आज की सुबह थी कुछ ना रेल बड़ी बढ़िया, टाइम भी नहीं लगा मतलब कैमरे चालू करने का। अभी मैं अपनी जो मॉर्निंग शिफ्ट थी वहाँ पर इस टाइम में पहुँच चुका हूँ, तो उनको आगे बताता हूँ मैं एक बार पहुँच जाऊँ, शिफ्ट चला देता हूँ अपनी पहुँच के। मैं इस टाइम रेलवे स्टेशन से बाहर निकल चुका हूँ, जहाँ जा रहा हूँ मैं 8:30 बजे उठ गया था, 8:30 पे और 8:37 और 7 मिनट के अंदर तैयार हो गए, मैं कहते हैं बस पकड़ ली। तो अभी के लिए तो शिफ्ट चलाता हूँ जल्द से जल्द, जितनी जल्दी यहाँ से ख़त्म करूँ उतनी जल्दी अगले शिफ्ट पे जाऊँगा, उसकी वैसे शिफ्ट 3 बजे है, 3 बजे मेरे यहाँ से मतलब ख़त्म होगी, तो आधा घंटा मैं इसलिए जल्दी आया हूँ, जल्दी से जल्द आ जाऊँगा, तो 1 घंटा मुझे लग जाएगा। अभी देखता हूँ मैं उसकी शिफ्ट टाइम पर चला सकता हूँ या नहीं, अभी तो यहाँ से निकलना ही मुश्किल है। चलो बताता हूँ आपको क्या सीन है। इस टाइम मैं वैसे तो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे हूँ, रोड के वगैरह देख सकते हो किस टाइप की है, इस टाइप की नहीं, अब पूरा गोरों का इलाका है, इंडियन से वैसे मुझे एक भी नहीं मिला। तो जो मेरी आज की शिफ्ट है वो ग्रुप में शुक्र है एंट्री मिली, मैं सेकंड फ्लोर पर जा फर्स्ट टाइम, हाँ मिल गया एंट्री कर लेते हैं। तो भाई मेन सीन क्या हुआ, वहाँ पे जो मतलब कबर्ड है जहाँ पे सारे केमिकल वगैरह रखा था, वो टाइमिंग का बंद पड़ा, बंद क्या पड़ा उनकी जो की है ना वो की नहीं वर्क कर रही है इनकी, तो आज मैं 5 घंटे के लिए आया, बिल्कुल फ्री हूँ कोई काम नहीं है, थोड़ा बहुत काम है जो मतलब वही।
तो भाई इस टाइम पे जो कबर्ड बंद था वो इस टाइम खुल चुका है, और जो ड्यूटी है वो करनी पड़ेगी, तो जल्द से जल्द करके और निकलता हूँ फिर यहाँ से अपनी दूसरी शिफ्ट पे। तो भाई शिफ्ट मेरी अभी ख़त्म होने पे आ रही है, काम वगैरह सारा निपटा के मेरे पास एक घंटा बचा था, तो उस एक घंटे में यहाँ पे एक मंदिर था हरे कृष्णा का, इस्कॉन मंदिर का कह सकते हो, इस्कॉन मंदिर ही है मतलब वैसे वो, तो वहाँ पे जाकर मतलब टेक के आया हूँ। वैसे कर्टन तो इस टाइम बनते हैं, कहते हैं कह रहे थे कि इस टाइम सोने का टाइम होगा, तो प्रसाद वगैरह खा के इस टाइम मैं वहाँ से निकल चुका हूँ। और मुझे एक छोटा गिफ्ट दिया उन्होंने जो कि मेरे बैग में, मैं दिखाऊँगा आपको बहुत जल्दी। तो अभी तो शिफ्ट बंद करके निकलता हूँ यहाँ से, और दूसरी शिफ्ट पर जाना है, दूसरी शिफ्ट पर जाके तो देखते हैं आगे का काम क्या है क्या है नहीं। अभी के लिए यहाँ से निकलता हूँ, ठीक है, जय श्री राम। शिफ्ट वगैरह मैंने ख़त्म कर दिया, इस टाइम जा रहा हूँ मैं रेलवे स्टेशन की तरफ, OTP वगैरह सब कुछ मिल गया, मैं चलते चलते पहुँच चुका हूँ। चाइनीज माल लो खुलावा, चाइनीज माल लगा सकते हो कि भाई चाइनीज मार्केट, ये चाइनीज मार्केट है सारी की सारी। किसी और दिन आऊँगा, अभी तो टाइम नहीं है, घूमाऊँगा इसका भी देने के लिए। तो अभी रेलवे स्टेशन की तरफ चलते हैं, 10 मिनट में ट्रेन है, पकड़ के फिर निकलते हैं, ठीक है। हाँ, इंडिया वाली फीलिंग ले लो, अंदर नहीं होकर चलूँगा। चलो देखा भी क्या कुछ सौदा पत्ता है, ओए चाइना मार्केट देख लो। कोई मोटा मोटा देखा जाए तो अपने वास्ते नहीं आया मार्केट, क्योंकि यहाँ पता नहीं किस किस का क्या क्या मटीरियल पानी पत्ता चल रहा, जो चीज़ फंसे मावा वो ही बनाए रखे इन्होंने, कॉकरोच तक भी तड़ रखे ना, और जो है यूँ कहा थे नहीं कि हाँ कॉकरोच वगैरह बस वो बातम आया नहीं, सच्ची में तड़ कर रखा भैया, ये भी देख के गलत गली में वो कह सको कि भी हाँ बढ़ गया था। ये भी 5 मिनट में जो मेरी ट्रेन है, बाकी मार्केट जबरदस्त है, घूमने लायक है। व्यू खतरनाक है भैया यहाँ का, क्या गीत पानी खचर रहा, चलो देखा जाएगा क्या सीन है क्या नहीं। तो वही अभी तो टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे, ट्रेन पकड़ा अपनी, बाकी कुछ मर्जी कह लो, माहौल तो है इनका खरीदों का, पर अभी भी टाइम नहीं है, अभी तो यार रेलवे स्टेशन नहीं मिलेगा यहाँ से, अंडरग्राउंड है, उन्होंने लेनी पकड़ ली